तो निर्मल वचन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही भगवान को पा सकता है, कपट छल छिद्र वाला व्यक्ति भगवान को पा नहीं सकता। भगवान ने उसके लिए खाना नहीं खाया। भगवान कहां चले गए? विदुर जी के घर चले गए। विदुर जी के घर गए तो विद्वान वहां निकली उनकी माई, सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। विदुराइन की नियत साफ थी, सामने कृष्ण खड़े हुए हैं। तो क्या हालत होगी आप सोच लीजिए कि जिसकी नजरों में मोहन समाया वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उठो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सिर देके होते हैं सौदे आशिकी की सस्ती नहीं। आपने मुझे यहां पर बुलाया, चेयर सीधी रखी कि उल्टी रखी बताओ? सीधा रखा कि उल्टा रखा? अरे बोलते आप लोग शांत हो गए तो मैं बोलूंगा यार। अब मुझे यह भी लगना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। कुर्सी सीधी रखी, विदुर जी के घर में विदुराई कृष्ण को देख के इतनी पागल हो गई, बावली हो गई कि उल्टी कुर्सी रखी। लेकिन भगवान ने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि उसका दिल साफ था, उल्टी चौकी पर बैठे। देखो हम जब जिसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो सामने आ जाए तो चाय में फिर शक्कर नहीं डालते हैं, नमक डाल देते हैं। ऐसा होता है, सामने का पत्थर है ना, कुछ है ना, ब्रेकर है, फिर भी हम गिर जाते हैं। होता है ना ऐसा, बोलते बोलते कुछ का कुछ बोल जाते। ये स्थिति उसकी, बोले क्या नहीं किया। भगवान ने छिलके खा लिए। दुर्योधन का छप्पर भोग छोड़कर आ गए, सोने चांदी की थालियों में सजा हुआ भोजन छोड़कर आ गए, और विदुराइन के यहां केले के छिलके खा लिए क्योंकि उसका दिल साफ था, उसके दिल में कोई मैल नहीं था, उसके दिल में कोई कपट नहीं था। यही कहा गया है कि एक बहुत बड़े पंडित जी हुए, दिन भर राम राम करते रहे, दिन भर राम राम, 24 घंटे राम राम करते रहे। उसके ठीक सामने एक नर्तकी का घर था, वैश्या का, रास रंग करती थी वो दिन रात। इधर ये पंडित जी भी मरे, वैश्या भी मरी, दोनों भगवान के दरबार में गए तो भगवान ने कहा ये पंडित जी को नर्क में डाला जाए और ये नाचने वाली जो नर्तकी है इसे स्वर्ग में डाला जाए। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान कुछ गलती हो गई है, देयर इज सम मिस्टेक, प्लीज रीचेक रिवेल। रिवेल के लिए डालते हैं ना आप लोग, रीचेक के लिए जाए। हाँ, अरे पढ़ाई ऐसी करो कि रिवेल के लिए ना डालना पड़े। आप ही कह रहे हैं पंडित जी ने कहा प्लीज रिवेल, रीचेक कीजिए मेरी कॉपी। स्वर्ग में मेरा नाम होना चाहिए और इस नर्तकी का नाम नर्क वाली लिस्ट में होना चाहिए।
की शक्ति पर मन की पवित्रता पर भेजते हैं। तो इसलिए मन को शुद्ध रखना और मन की शुद्धता में आपको दावा करता हूं, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे बच्चों के फेल होने की समस्या हो, सप्लीमेंट्री की समस्या हो, देश में सांप्रदायिक दंगों की समस्या हो, देश में और कोई भी समस्या हो, इन सब समस्याओं का समाधान गौ माता में छुपा हुआ है, उसके दूध में, उसके घी में, उसके गोबर में, उसके गोमूत्र में छुपा हुआ है। हम सबका स्वास्थ्य भी, हम सबकी विद्या भी, हम सबकी शक्ति भी। खेतों में हम क्या डाल रहे हैं बताइए? यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। आज जितना यूरिया डाला अगले साल उतना ही डालेंगे कि ज्यादा डालेंगे? जितना डीएपी डाला अगले साल डीएपी पेस्टिसाइड बढ़ाएंगे और फसल बढ़ेगी कि कम होगी? फसल कम हो जाएगी। हर साल यूरिया डीएपी बढ़ता जाएगा और फसल कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा, आया भी, कि कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर दी। पढ़ाना आप सबने पेपर में, न्यूज़पेपर में देखा, समाचार में देखा। हम डीएपी यूरिया डालते गए सोचे रासायनिक खाद से केमिकल से बहुत खेती हुई, धीरे 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 हमारी जमीन बंजर होने लगी, किसान आत्महत्या करने लगे। वो यूरिया डीएपी से जो खाना आया, धनिया आया, चावल आया, आलू आया, मटर आया, उसमें कोई स्वाद नहीं रहा। धनिया पत्ती, यहां धनिया कहते ना, क्या कहते हैं, हरे रंग की जो पत्ती होती है, हाँ, कोतापरी जो भी कहते हैं, समझ गए ना। पहले आप उसको काटते थे तो आपके हाथ में खुशबू आती थी, दाल में डाले तो दाल में खुशबू आती थी, पूरे कमरे में खुशबू आती थी। अब आती है क्या? पहले थोड़ी सी भी काटते थे तो खुशबू पूरे कमरे में आती थी, अब 1 kg भी काट लो तो खुशबू नहीं आती। क्यों? क्योंकि पहले हमारे खेतों में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं डलता था, पहले हमारे खेतों में गौ माता का गोबर डलता था, जैविक खेती होती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, तो धनिया से खुशबू आती थी, चावल हमको सेहत देता था, गेहूं हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बनाता था, शरीर को मजबूत बनाता था, बच्चों का मन मस्तिष्क मजबूत होता था, ये डायबिटीज नहीं होता था, सर दर्द नहीं होता था, ये बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि गाय का गोबर खेत में डाला जाता था, काऊ डाल। अब बताओ, गाय का गोबर सिर्फ हिंदुओं के खेत में डालता था कि मुसलमान के खेत में भी डालता था? बताओ, सिख के खेत में डालता था कि ईसाई के खेत में डालता था? सबके खेत में डालता था। बताइए साहब, गाय का गोबर सबके खेत में डालता था? गाय का गोबर किसी जमीन के साथ भेदभाव करता था क्या कि यह हिंदू की जमीन है तो यहां पर अच्छी उपज दूंगा, मुसलमान की जमीन है तो यहां उपज नहीं दूंगा, ऐसा करता था क्या? नहीं करता था। आज यूरिया डीएपी वाला खाना खा खा के हिंदू को भी कैंसर हो रहा है, मुसलमान को भी कैंसर हो रहा है, सबके शरीर में यूरिया जा रहा है, डायबिटीज हो रहा है। सत्यमेव जयते में उस खान ने दिखाया भी, सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, एक खान है हमारे देश में, उसने दिखाया। नाम अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि मामला दूसरा हो गया, मामला बड़ा हो गया, इसलिए नाम मैं अभी नहीं लूंगा। लेकिन सत्य में हो जाते आपने देखा होगा, उसमें भी यूरिया डीएपी का दुष्प्रभाव दिखाया कि किस तरीके से लोगों को चर्म रोग हो गए, माताओं के दूध में यूरिया चला गया, बच्चे को दूध पीने लगे माओ का, उसके शरीर में वो दूध चला गया। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य जो बंपर क्रॉप वाले हमारे स्टेट थे, वहां के भी किसान आत्महत्या करने लगे। पंजाब से ट्रेन चलती है बीकानेर तक जिसका नाम कैंसर एक्सप्रेस है, बिकॉज ऑफ दिस यूरिया एंड डीएपी एंड पेस्टिसाइड्स। ये स्थिति हो गई, गाय का गोबर हमारे खेतों से चला गया। गाय का गोबर जब डालेंगे तो गाय का गोबर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी जमीन के साथ, वो सबको उपजाऊ बनाएगा, सबको शुद्ध बुद्ध बनाएगा। लेकिन अब गाय ही नहीं, शास्त्रों में गाय के गोबर को में लक्ष्मी का निवास कहा गया, गोमय वस्ते लक्ष्मी, दूध में लक्ष्मी नहीं कहा गया, क्योंकि दूध को बाई प्रोडक्ट माना गया, मेन प्रोडक्ट काउ डंग को माना गया,
तो सारा धन हमारे घर में आएगा। गाय के गोबर में इसलिए लक्ष्मी का निवास कहा गया। लेकिन अब गाय दूध देना बंद की और हमने गाय को घर से निकाल दिया। जब असली मार लेने की बात आई तब हमने उसको घर से निकाल दिया। जब तक गाय है तो आप गाय की सेवा कर लो, उसकी इज्जत कर लो, उसके गोबर गोमूत्र के महत्व को पहचान लो। क्योंकि आज यदि आपकी जमीनें बंजर हो गई, मैं दावा करता हूं जिसकी भी जमीन बंजर है वहां पर आप गाय पालना चालू कर दो, महीने दो महीने तीन महीने में गाय गोबर गोमूत्र करेगी और जमीन अपने आप उपजाऊ हो जाएगी, अपने आप उपजाऊ हो जाएगी। गाय बन जाए तो उसे आप यहां वहां फेंक मत दीजिए, अपने खेत के बीचों बीच दबा लीजिए, 50 मीटर के आसपास की भूमि उपजाऊ हो जाएगी। ये साइंस है, 50 मीटर की भूमि उपजाऊ हो जाएगी। किसकी होगी? पुनः हिंदू की होगी कि मुसलमान की होगी? जिस खेत में जाएगी उसकी भूमि को उपजाऊ बनाएगा। गाय का दूध भी जिसके शरीर में जाएगा उसको लाभ पहुंचाएगा, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं मोहम्मद फैज खान कि तुम एक मुसलमान हो, तुम गाय की सेवा क्यों करते हो, गाय का इतना महत्व क्यों बताते हो, तुम तो मुसलमान हो, हिंदू गाय को माता कहते हैं, तुम्हारा हिडन एजेंडा क्या है, तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले हो, तुम कई लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो कि कहीं तुम पैसा तो नहीं कमाना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, क्यों गाय की सेवा करते हो मुसलमान होकर? मैं उनसे कहता हूं कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुसलमान होकर फैज खान क्यों गाय की सेवा करता है, तो शायद तुमने वेद का अध्ययन नहीं किया है, वेद को नहीं पढ़ा है। यदि तुम वेद को पढ़ लेते तो कभी भी मुझसे ये नहीं कहते कि मुसलमान होकर गाय की सेवा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वेद में गाय को हिंदुओं की माता नहीं कहा गया है, गाय को वेद में मुसलमानों की माता नहीं कहा गया है, गाय को हिंदुओं से मात्रा नहीं कहा गया, गाय को मुसलमान से मात्रा नहीं कहा गया, गाय को ईसाई से मात्रा नहीं कहा गया, गाय को सिख से मात्रा नहीं कहा गया, गाय को भारतीय से मात्रा भी नहीं कहा गया, गाय को पाकिस्तान से मात्रा भी नहीं कहा गया, गाय को अमरीका से मात्रा, गाय को जापान से मात्रा भी नहीं कहा गया। वेद में कहा गया तो गाय को विश्व से मात्रा कहा गया, गाय जितनी माता नित्यानंद ओम जी की है उतनी माता मोहम्मद फैज खान की भी है। गाय को अपनी माता माना है और नासमझ लोग हर कौम में होते हैं, नासमझ और मूर्ख लोग तो हर कौम, उनको पता ही नहीं है कि हमारे खेतों की क्या हालत है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, उनको पता नहीं है कि हमारे देश की एकता अखंडता ये दीपक का महत्व उनको पता नहीं है। हर समझदार व्यक्ति ने गाय को मां माना है। हुमायूं के समय का एक किस्सा है। हुमायूं दिन भर यात्रा में था, संध्या का समय हुआ, बड़ी जोर की भूख लगी। उसने अपने भाई को कहा कि भाई कामरान भोजन का प्रबंध करो। कामरान ने भोजन का प्रबंध किया, भोजन हुमायूं के सामने आया, हुमायूं को कुछ शक हुआ तो हुमायूं ने पूछा ये किसका मांस है, तुमने क्या रखा है, तुझे खाने के लिए अपनी माँ के मांस के अतिरिक्त और कोई मांस नहीं मिला। इसने कहा हुमायूं ने कि गौ मांस खाना यानी अपनी मां का मांस खाने के बराबर है। संसार के हर समझदार व्यक्ति ने गाय को अपनी मां माना है। कुछ लोग कहते हैं साहब हमारा ट्रेडिशन है। कौन कहता है ट्रेडिशन है, आप मुझे बताओ तो। क्या क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशन है? याद रखना बाइबल ने क्या कहा, ईसा मसीह अपने पहाड़ी प्रवचन में क्या कह रहे हैं कि प्रभु की वेदी में भेंट अर्पित करने लाए हो। भेंट अर्पित मत करो, रख दो, पहले ये सोचो कि क्या तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज है, पहले ये सोचो तुम्हारा भाई तुमसे खुश है, पहले ये सोचो कि क्या तुम्हारी मां तुमसे खुश है। अगर नहीं खुश है, अगर तुम्हारा
स्वीकार नहीं होगी। और यदि कोई गौ मांस खाए और ये कहे कि मैं सच्चा ईसाई हूं, तो भारत के करोड़ों हिंदू जो गाय को माता मानते हैं, गौ मांस खाने से उनका दिल टूटता है, तो प्रभु की वेदी में तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को कुछ नहीं किया है। ईसा मसीह का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का। गाय के मांस पर राजनीति की जाती है, गाय के नाम पर दंगे फसाद होते हैं, तो क्या गाय को काटना सही दृष्टि है? गाय की हत्या करना सही दृष्टि है? गाय की हत्या करना सम्यक बुद्धि है? गाय की हत्या करना सम्यक आजीव है? कदापि नहीं है। आप गो मांस खाते हो तो वो आपका पर्सनल मैटर है, आप उसमें गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म को बदनाम मत करना। आप यदि गौ मांस खाते हो तो वो आपकी कमी है, आप ईसा मसीह या ईसाई धर्म का नाम लेकर वो मांस मत खाना। आप कहते हो कि मैं हिंदू हूं और हिंदू होने के नाते मैं गौ मांस खाऊंगा, क्योंकि वेद में गाय का मांस खाने की अनुमति दी गई है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े ऋषि हैं, अभी भी एक व्यक्ति है जस्टिस रहा है, वो कहता मैं गौ का मांस खाता हूं, वेद में गाय का मांस खाने के लिए लिखा, गलत बात, झूठ बात। एक फिल्म एक्टर का नाम है उसका ऋषि, जानते हैं उसको? जानते हैं ऋषि को? बोल राधा बोल एक फिल्म आई थी, जानते हैं? बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया, अपने किशन को दिल दे दी। नाम क्या था उस फिल्म में उसका? किशन, किशन। और उसका क्या स्टेटमेंट आया कि मैं बीफ खाता हूं और आगे भी खाऊंगा, किशन नाम रख के बीफ खाऊंगा कहता है। कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स ने गलत इंटरप्रिटेशन की है हमारे वेदों की, वेद में कहीं भी गौ मांस खाने का उल्लेख नहीं है। गाय की बलि दी जाती थी, बलि नहीं दी जाती थी, बलि का काउ स्लॉटरिंग नहीं होता है। बलि का अर्थ होता है कि वैदिक यज्ञ के समय जो बेस्ट दक्षिणा होती थी किसी ब्राह्मण को दी जाती थी, तो वो गाय दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। गाय की बलि देने का अर्थ गाय को समर्पित करना होता था, काउ स्लॉटरिंग करना नहीं होता था, गाय को काटना नहीं होता था। वेद में नहीं है इसको, ये ब्रिटिशर जब आए तो लोगों ने यहां पर गलत इंटरप्रिटेशन की वेदों, क्योंकि उनकी सेना को बीफ चाहिए था, उनकी सेना उनकी आर्मी को गाय का चमड़ा चाहिए था, गाय का मांस चाहिए था। इसलिए मुस्लिम शासन काल जब यहां पर रहा तो काउ स्लॉटरिंग पूरी तरीके से बैन थी। जब ब्रिटिशर यहां पर आए, मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रिटिशर एक व्यापारी बुद्धि के लोग थे, बिजनेस क्लास लोग थे, उनके लिए गाय या सुअर या कुछ भी केवल वो व्यापार बिजनेस की दृष्टि से देखते थे। उनकी आर्मी के लिए जब उनको चमड़े की जरूरत पड़ी, जब मांस की जरूरत पड़ी, तो कलकत्ता में क्लाइव ने पहला स्लॉटर हाउस खोला 1760 में, 1760 में, और वहां पर 30,000 गाय डेली काटी जाने लगी। कानून बना दिया और चाल क्या चली साहब, देखिएगा कि जबरदस्ती मुस्लिम शासन जब था, मुस्लिम बादशाह हुए, उन्होंने काउ स्लॉटरिंग पे बैन लगाया, बैन था। फरमान है मेरे पास, बाबर का फरमान है, मैंने एक बुक लिखी है गायब इस्लाम, यहां पर आई है, लाए काउंटर, उसको जरूर लेना, नॉमिनल से उसका चार्ज है पर ले जरूर लेना, हिंदी में है, समझ लेना, अगली बार आऊंगा कन्नड़ में लेकर आऊंगा। बाबर ने फरमान जारी किया है काउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट में, जहांगीर ने, हुमायूं ने, बहादुर शाह जफर ने,
अंग्रेज ये चाहते थे, उन्होंने गौ हत्या प्रारंभ की और मुसलमानों को वहां पर नौकरी देना चाहते थे। फायदा चमड़े का, लेदर का, बीफ का किसको मिलेगा? ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बदनाम कौन होगा? मुस्लिम होगा। दंगे किसके बीच होंगे? हिंदू मुस्लिम के बीच होंगे। फायदा किसको पहुंचेगा? ब्रिटिशर्स को पहुंचेगा। आज भी स्थिति जहां की तहां है, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके बड़े बड़े शोरूम सजे हुए हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लेदर के जैकेट रखे हुए हैं, पर्स रखे हुए हैं, शूज रखे हुए हैं, पैंट रखे हुए हैं। काफ लेदर का, यानी काफ लेदर यानी कि बछड़ा, छोटा सा जो एक दिन का बछड़ा होता है उसका चमड़ा खींचकर वो बहुत ब्यूटीफुल सा सुंदर सा शोरूम होगा। उसके सामने किसी ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, अपोज किया, करोड़ों डॉलर का फायदा उनको मिला है। और हम लोग किस नाम से लड़ रहे हैं? गाय मुस्लिम काट रहा है कि गाय हिंदू काट रहा है? गाय हिंदू मुसलमान का विषय है ही नहीं मेरे भाई। गाय को काटने वाले असली मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि गाय के चमड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गाय के ब्लड का यूज कर रहे हैं दवाइयों में, गाय की हड्डियों का बोन्स का यूज कर रहे हैं बोन चाइना के बर्तनों में, गाय के खुर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय की पूंछ का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय की सींग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए